साइड में बस वो धागा रेडी रखिएगा, मस्त लगेगा, थोड़ा सा बाइक से मिलता जुलता हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो, बिल्कुल सेफ हो गए। सो गाइस, काफी टाइम से लोग डिमांड करते हैं ना कि बाइक में सीट कवर भी लगा के दिखाओ, तो मैंने सोचा भाई आज प्रॉपर व्लॉग शूट करते हैं। इस व्लॉग में दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले भाई हमें जाना है अपने घर के बिजली का बिल जमा करने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बिजली का बिल जमा करेंगे, उसके बाद जाएंगे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या है, एसेसरीज लगवानी है। केवल वही एसेसरीज लगवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बाकी जो हमारी पल्सर में उसमें सीट कवर तो लगेगा ही। सो बाहर हमारी देखो रॉयल इनफील्ड खड़ी है और इधर हमारी R15 खड़ी है और वो मेरी N160। तो तीनों अपनी बाइकें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि रॉयल इनफील्ड को अब आप वीडियो में बहुत कम ही देखो, क्योंकि ये मेरे होम टाउन चली जाएगी, बट बाकी से वीडियोस आती रहेंगी टाइम टाइम। अभी मैं चला रहा हूँ अपनी क्लासिक 350 N160, मेरा भाई लेकर गया है। बस पावर हाउस हम पहुंच ही गए हैं जहाँ बिल जमा होगा, देख लो आप लोग। आई होप कि खुला हो भाई, रक्षाबंधन मनाने ना चले गए हो। अगर रक्षाबंधन मनाने गए तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, फेस्टिवल है, जाना ही चाहिए। अब ये होगा कि हमें बिल जमा करने फिर कल आना पड़ेगा, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। और जहां तक है कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, ओपन है या क्लोज है। ये दादा तो निकल के आ रहे हैं, बाइक बाहर ही खड़ी कर लेते हैं हम लोग। और मैं जाता हूँ जल्दी से बिल जमा करके आता हूँ, उसके बाद फटाक से चलेंगे, एसेसरीज लगवाएंगे रॉयल इनफील्ड में भी और सीट कवर बस लगवाएंगे पल्सर N160 में। सामने से ओला भी निकल गई, ओला मतलब आग का गोला। भाई साहब डर ही लगता है ओला से, कब आग लग जाएगी उसमें। और ये हमारे अर्टिगा वाले भैया, और इधर आ जा भैया, यहाँ चढ़ा लो, तुम चढ़ा दो इसके ऊपर। भाई रोड पे निकलो तो एक से एक नमूने तो मिल ही जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ प्रॉपर मोटो ब्लॉग करूं, इन नमूनों की वजह से चैनल अच्छा चलेगा मेरा। लेकिन छोड़ो यार, क्या ही करना, हम दोनों कंटेंट पे फोकस करते हैं, बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाने में भी और ब्लॉग बनाने पे भी। देखो मेन मोटिव तो ब्लॉग ही है भाई। हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप के पास, मेरा भाई यही मिलेगा, पेट्रोल लगाने के लिए भेजा था मैंने। मैंने सोचा जितनी देर में बिजली का बिल जमा करूंगा उतनी देर में वो पेट्रोल डला के आ जाएगा, बट मुझे लग रहा है वो अभी भी पेट्रोल ही डला रहा है। और पेट्रोल पंप की अच्छी कमाई है ना, खोल लेना चाहिए हम लोग को भी एक पेट्रोल पंप, फिर घर की खेती, फिर रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, सही बिजनेस है भाई ये। और वो देखो आपको हमारी N160 दिख रही होगी, देखो भाई उससे बाइक ही नहीं बढ़ रही आगे। और भाई साहब बाइक निकाल ली उसने, मुबारक हो। अब ये मुड़ के आएगा उधर से, देखते रहिएगा ध्यान से। देखो वो आ गया, देखो वो चला गया, उसने हमें देखा ही नहीं, हमें देखा ही नहीं उन लोगों ने। देख रहे हो, फोन कर रहे हैं, देखो वो फोन करके हमसे पूछ रहा। और वो पीछे बैठा है, मेरा कजन है, और लड़के की मम्मी पुलिस में है, कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई भी सोर्स नहीं लग पाएगा। लेकिन ये सब फन पार्ट से थोड़ा सा आप लोग मजे लो वीडियो में, तो ब्लॉग में तफरी होना भी बहुत जरूरी है, वरना फिर बोरिंग बोरिंग सा हो जाएगा यार, क्या ही मजा आएगा। ये खाली रोड है, तो हमारा पोपट हो चुका है। देखो गुड फिट लिखा तो है यहाँ पे, लेकिन शॉप फिर यहाँ से भी चली गई, पहले वहां से गई फिर यहाँ से गई, और अब देखते हैं कहाँ है। फोन तो कर रहा हूँ मैं, हेलो भैया, ये शॉप खुली है आपकी कि नहीं आज? भाई साहब बहुत खोजने और मुसीबतों के बाद ये अंकल मिल गए हमें, चले अंदर। सो ये भैया की शॉप देख लो, अगर किसी को भी सीट कवर लगवाने हो तो यहाँ पे आ सकते हो। और हमारी बुलेट से सीट निकल चुकी है, अंदर गई है सीट कवर लगने के लिए। जो प्राइस था बुलेट का लगने का आगे पीछे का केवल 400 था, पल्सर का भी सेम प्राइस है। और तीन चार कपड़े हैं इनके पास, आपकी पसंद के ऊपर है कि आप कैसा पसंद करते हो। तो अगर आप देखना एक बार लग जाएगी तो अच्छे से आपको काम दिखाऊंगा, आप खुद बताना आपको कैसा लगा। साइड में बस वो धागा रेडी रखिएगा, मस्त लगेगा, थोड़ा सा बाइक से मिलता जुलता हो जाएगा। अब ये ऐसे मस्त चिकना दिखेगा। दोनों तैयार हो गए क्या?
बाइक ने सीट कवर लगने के लिए दे दिया है और हम लोग आए हैं कुछ खाने पीने, भाई वो भी बहुत जरूरी है, जितने का सीट कवर नहीं उतने में तो हम लोग खा पी लेंगे। ये हम लोग आ चुके हैं शर्मा चाय वाले के यहाँ, काफी भीड़ है यार यहाँ पे। समोसे खाएंगे बस, ज्यादा नहीं खाएंगे, गर्मी में गर्म समोसे। चार समोसे, हाँ चार बहुत है। अच्छा डेट डल गई, इसे क्या वारंटी, कितने साल, इतने साल चलेगी? झूठों के लिए वैसे खराब तो नहीं होती है। तो अभी बुलेट में तो हमारा सीट कवर लग चुका है, अब चलते हैं बुलेट में एक्सेसरीज लगवा लेते हैं। मैंने सोचा दोनों सीट कवर आपको इकट्ठा दिखा दूंगा जब N160 में लग जाएगा, वरना फालतू ही आपका भी टाइम बर्बाद होगा। सो गाइस ये देखो हमने N160 में सीट कवर लगवा लिया है, इसकी क्वालिटी देखो आप। क्वालिटी तो मुझे ठीक लगी, लेकिन भाई जो रॉयल इनफील्ड में जो कपड़ा लगा था ना, उसकी क्वालिटी मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक बार रॉयल इनफील्ड वाला दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये देखो रॉयल इनफील्ड वाला भाई, इसका जो कपड़ा है, जो इसकी फिनिशिंग है ना, वो देखो कितनी अच्छी से। यहाँ पे मैंने जानबूझ के रेड स्ट्रेचेस लगवा लिए यहाँ पे, और एक चीज़ ये यहाँ से जा सकता था, लेकिन अगर ये यहाँ से जाता तो फिर इसमें वाटर यहाँ से लीकेज हो जाता है, तो उन्होंने समझाया मुझे कि इससे प्रॉब्लम होती है बाद में, तो मैंने वो चेंज करा दिया। और एसेसरीज में बस एक ये लगाया था, ये अप्रॉक्स 40 रुपीज़ का था, और एक बस ये लेग गार्ड लगवाया मैंने। मुझे ये वाला वैसे इतना पसंद नहीं, मुझे सिंगल डंडा वाला पसंद था, बट मेरे फादर को यही वाला चाहिए था। बाकी आप पूरी बाइक देखो, और कुछ भी मैंने फालतू का इसमें लगवाया ही नहीं है, जो जो मेन चीज़ मुझे लगी बस वही लगवाई। जैसे मेरी पल्सर में है, देख लो पल्सर में भी कोई भी फालतू चीज़ें नहीं लगी हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मिरर नहीं लगाया, तो भाई देखो एक्चुअली हुआ क्या था, जब बाइक परचेज़ की थी ना, तो उनके पास जो मिरर था वो हल्का सा क्रैक था, इसलिए मैंने उनसे लिया नहीं है। अभी जस्ट मुझे कुछ दिन पहले ही मिरर मिला है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा वो भी लगवा लूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ वाला लगवा लूँ जो बारेंट्स वाले आते हैं, तो भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन, इसलिए मिरर नहीं लगाया। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि भाई मिरर नहीं लगाते हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो भाई ऐसी बात नहीं है। और देखो मुझे सीट कवर वही पसंद था बुलेट वाला, बट हुआ क्या कि वो इसमें लग नहीं पाएगा, उसकी स्ट्रेचनेस ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें अच्छे से लग नहीं पाएगा, फटने के चांसेस हैं, फिटिंग नहीं आ पाएगी, तो उन्होंने यही वाला लगवाया। और बाइक से उतना तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। अब उन दोनों में भाई देखो कंपेयर करोगे आप तो बुलेट वाला ही मुझे ज़्यादा अच्छा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।